मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में अपनी चुनावी यात्रा में एक वक्तव्य दिया था मेरा सपना है हिंदुस्तान में हवाई चप्पल पहनने वाला हर व्यक्ति हवाई यात्रा कर सके आठ साल बीत गए लेकिन हुआ क्या हवाई चप्पल हवाई हो गई पहनने वाला अब इस काबिल ही नहीं रहा कि वो साइकिल सवारी भी कर सके यहाँ तक कि अब उसे अपनी हवाई चप्पल खरीदने को सोचना पता है ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ी है स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया है सवाल है किसके लिए हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज तो छोड़ो स्टेशन के अंदर घुसने लायक नहीं रहा इन आठ सालों में जो एक खास बात हुई है मुद्दों को उल जलूल हिंदू मुस्लिम बहस में बहा दिया गया इंजीनियर जॉब के लिए तरस गए जाब ना होने से छात्रों में पढ़ाई की तरफ रुझान समाप्त सा हो गया किसान अपनी उपज के उचित दाम के लिए ताक रहा है प्राइवेटाइजेशन ने सरकारी जाब खत्म कर दिए देखते देखते देश की संपत्तियां 20 प्रतिशत पूंजीपतियों के हाथों बेच दी गई बाकी 80 प्रतिशत को हवा फाकने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है अब तो चप्पल हवाई हो गई है अपनी नौकरी व रोजगार की व्यवस्था करनी है अब आपको अपना गड्ढा खुद खोदना है